22 तारीख को यहाँ पर सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। हिंदुस्तान ऊपर होगा और न्यूजीलैंड थोड़ा नीचे आएगा। हमारी गेंदबाजी इज एट अ अपर एज। तैयारियाँ तो हमने पिछले एक साल से ही शुरू कर दी थी। अब 3 मैचेस का आयोजन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पर 22 तारीख को यहाँ पर सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। एक तो हिंदुस्तान की टीम खेल रही है और खेल भी उस टीम के लिए के साथ रही है जो इंडिया के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। रन रेट में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 22 तारीख के बाद वो थोड़ी तब्दीली होगी। हिंदुस्तान ऊपर होगा और न्यूजीलैंड थोड़ा नीचे आएगा। सर अच्छा ही ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पर एकदम ठंड आ गई है, तो लग रहा है कि इंडियन टीम को थोड़ी मुश्किल होगी यहाँ पर, क्योंकि गर्मी से पुणे से आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसको यहाँ पर आकर देखिए। हिंदुस्तानियों को तो डाइवर्सिटी की आदत है। अगर अभी चेन्नई जाएंगे तो वहाँ पसीना निकलेगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ स्वेटर डालेंगे, अगर कलकत्ता जाएंगे तो मौसम और होगा, और गुजरात जाएंगे तो थोड़ा और होगा। तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज होने चाहिए। दिक्कत तो उन्हें आनी चाहिए जो बाहर से आए हैं, जिनको मतलब डिफरेंस आए इसमें। लेकिन निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के लिए भी फेवरेबल ये चीज़ है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरीके का वेदर है और उनके लिए बड़ी लंबी विंडो है। वो उनका ये मैच भी यहाँ पे, इसके अगला मैच भी आए, तो हफ्ता 9-8 दिन शायद यहीं रहने वाले हैं धर्मशाला में। मैं मानता हूँ इंजॉय भी करेंगे हिमाचल को, हिमाचल के वेदर को, थोड़ा रिलैक्स भी होंगे। लेकिन 22 वाले मैच में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जीतेगा। सर पिच का मिजाज क्या रहने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि न्यूजीलैंड के सपोर्ट होगी पिच, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद देगी। बुमराह से अच्छा फास्ट बॉलर मैंने तो अभी इस वर्ल्ड कप में तो कोई देखा नहीं। तो मैं मानता हूँ हमारा जो बॉलिंग अटैक है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से बुमराह की वापसी हुई है पोस्ट इंजरी, ही इज़ इवॉल्व्ड एज अ बेटर बॉलर। आई थिंक जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बेहद ही शानदार है। सिराज बहुत अच्छी बॉलर बॉलिंग डाल रहे हैं और शमी एक्सेप्शनल बॉलर हैं। हमारे स्पिनर भी, चाहे कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जब जब क्रूशियल समय आया उन्होंने विकेट्स लेके टीम को दी। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन तब जब चाहिए थे विकेट उन्होंने लेके दी। वैसा ही बांग्लादेश के मैच में हुआ। मैं मानता हूँ हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इस समय चल रही है, और पहले लग रहा था कि हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है लेकिन बॉलिंग थोड़ा वीक लिंक लगता था। जिस तरीके से एशिया कप में और यहाँ पर शानदार बॉलिंग हिंदुस्तान के गेंदबाज कर रहे हैं, मैं मानता हूँ हमारी गेंदबाजी इज़ एट अ अपर एज, और उसका फ़ायदा हमें इस मैच में भी मिलेगा। तो वर्ल्ड कप से हट के बात करूँगा, अगर आईपीएल की और वुमेन आईपीएल की बात की जाए, तो एक वुमेन आईपीएल एक मास्टर स्ट्रोक था, तो आने वाले समय में क्या कुछ और उसमें नया देखने को मिलेगा या कुछ और डिफरेंस दिखेगा वुमेन आईपीएल में? देखिए पिछली बार फर्स्ट एडिशन था, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड कप हुआ था। अभी कुछ प्लेयर्स रिटेन किए गए हैं, कुछ नए आएंगे। तब ज़्यादा मौका फ्रेंचाइजी के पास नहीं था, बड़ा कम समय था उनमें भी प्लेयर्स को चुनने का। इस बार वो खूब तैयारी के साथ आएंगे और ज़्यादा कंपटीशन इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा, मैं ये मानता हूँ।